उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थर्सडे को मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े सितारों से मुलाकात की। इसी बीच सुपरस्टार सुनील शेट्टी ने सीएम से बॉयकॉट ट्रेंड को लेकर खास बातचीत की। उन्होंने कहा, हम सब दिन भर ड्रग्स थोड़ी ना लेते हैं, ना ही हम सब बुरे काम करते हैं। इंडस्ट्री के 99% लोग अच्छे हैं, जिनके दम पर भारत को बाहरी देशों के साथ हमारी कहानियां और संगीत ने जोड़ा है। ऐसे में हम सब लोगों की छवि को मौजूद समय में बेहद गलत बना दिया गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बॉयकॉट ट्रेंड के ऊपर भी अपनी राय रखी है और इसे रोकने की मांग की है। Have a look at this video, guys. ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्म में भी था और बाकी काफी अच्छी फिल्म में मैं रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है, ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है, आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसे जगह है नहीं। ये जो हमारे ऊपर स्टिग्मा जो लगा हुआ है वो हटना बहुत जरूरी है। आई थिंक ऑल ऑफ अस विल एग्री अबाउट दैट, यू नो, कि बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है मेरा, दुख होता है ये बोलने भी कि हमारे ऊपर स्टिग्मा है, क्योंकि 99% लोग हम वैसे हैं नहीं। हम दिन भर ड्रग्स नहीं लेते, हम दिन भर गलत काम नहीं करते, अच्छे काम से भी हमेशा जुड़े हैं। भारत को अगर बाहर के देशों से और भारतीयों से अगर किसी ने जोड़ा है तो वो है म्यूजिक, हमारी कहानी। तो आई थिंक उस पर अगर हम ध्यान दें, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी अगर आप ये कहे तो बहुत फर्क पड़ सकता है। बस मेरा सिर्फ यही कहना है। आप हमें इस स्टोरी पे अपनी राय बताना ना भूलें। फॉर मोर सच कंटेंट, डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स टू bollywoodlife.com।